गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल है? आई होप कि तुम्हारा सबका हाल अच्छा ही हो। वेलकम टू देसी बॉय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं विस्कॉन्सिन। विस्कॉन्सिन के बॉर्डर पे भी हम, और विस्कॉन्सिन में स्पेसिफिकली हम जा रहे हैं लेक जेनेवा, जो कि यहाँ से एक घंटे की दूरी पर है। और उसके बाद हमें मिल्वॉकी जाना है, जो कि वहाँ से एक घंटे की दूरी पर है। तो फिर चलते हैं विस्कॉन्सिन बिना किसी देरी के। और विस्कॉन्सिन जाने के लिए हमें एक नया, मतलब नए गाड़ी से जा रहे हैं हम। तो आपको दिखाता हूँ मैं कौन सी गाड़ी है, वो बहुत बढ़िया है। इतनी ट्रैवल कर ली हमने, तो सोचा इस बार हम ट्रक से चले जाते हैं, कि काफी कंफर्टेबल है ट्रक से। अभी आधा घंटा ड्राइव कर लिया हमने, लेकिन सुबह से जैसे कुछ खाया नहीं था, तो टाको बेल में रुक के हमने थोड़ा अभी नाश्ता कर रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं। तो अभी नाश्ता करने के बाद हम लोग सीधा जाएंगे लेक जेनेवा, राइट? तो इसके लिए हम लोग सीधा जाएंगे लेक जेनेवा पर नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता बहुत बढ़िया है, मज़ा आ गया, पावरफुल हुआ है। हाँ, वहीं पर लंच करते हैं। हाँ, और एक काम करते हैं, लंच जो है वो लेक जेनेवा में ही करेंगे। पहले लेक जेनेवा घूम के उसके बाद लंच करेंगे। तो अभी हम करते हैं नाश्ता और अभी सीधा बढ़ते हैं उसके बाद लेक जेनेवा की तरफ। फाइनली हम पहुंच चुके हैं लेक जेनेवा, जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हो। बहुत ही बढ़िया माहौल है यहाँ पे, मतलब लोग एकदम मज़े कर रहे हैं। लोगों के पास यहाँ पे बोट्स होती हैं, लोग यहाँ पे आप रेंट करते हैं बोटों को। तो अगर आप लेक जेनेवा में आते हो और अगर आपको बोट चलाने में आपको शौकीन हो, तो आप यहाँ से वो जो देख रहे हो वहाँ से आप बोट रेंट कर सकते हो, और बोट रेंट करके आप मतलब चले जाओ पानी में। मतलब माहौल इतना बढ़िया है, मज़ा आ गया। मतलब विस्कॉन्सिन से मैंने सच में ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर आई गेस ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट स्टेट्स है US में, क्योंकि बहुत चहल पहल है यहाँ पे। वहाँ पे डाउनटाउन है, अगर आपको यहाँ पे सुविनियर खरीदना है तो आप मेरे पीछे हैं, वहाँ पे आप सुविनियर खरीद सकते हो। आप पीछे देख सकते हो कितनी भीड़ है। आपको चीज़ बताऊँ, मैंने आज बेल्ट नहीं लाया, ठीक है? तो मैं एक चला गया था उसमें शॉप में बेल्ट लेने के लिए, तो बेल्ट की कीमत कितनी थी? $90। अगर अब वर्थ होती तो मैं ले भी लेता, पर वो $90 का वर्थ नहीं था। मतलब $90 मतलब कितना हो गया, 6,000 का बेल्ट। तो मैंने सोचा कि भाई चले जाता हूँ यहाँ से बेल्ट नहीं लेना, तो वैसे बहुत माहौल था। और आगे देखते हैं, बहुत बड़ा है ये लेक, और ये लेक जो है वो इलिनॉइस और विस्कॉन्सिन स्टेट को कनेक्ट करता है ये लेक। आगे देखते हैं और क्या क्या माहौल है इसमें। ताकि पूछता हूँ कि भाई बोट का रेंट क्या है, कि क्योंकि मुझे बोट चलाना आता तो है नहीं, बट पूछ सकता हूँ मैं कि कितना रेंट है उसका। अगर मौका मिला तो पक्का करेंगे बोट राइड लेक जेनेवा में। काम करते हैं, पूछ लेते हैं कितना है। तो ये पता चला कि अगर आप 1989 के बाद पैदा हुआ है तो आपके पास बोट लाइसेंस होना चाहिए। तो मेरे पास बोट लाइसेंस है नहीं विस्कॉन्सिन का,
पर अगर आपके पास लाइसेंस हो तो पक्का ट्राई कीजिए. इसका प्राइस है $100. यू से $100, राइट? तो $500 है बोट की कीमत. उसके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है, पर उसके लिए आपको पहले बुकिंग करनी पड़ेगी. और जो वेव रनर है मतलब उसकी कीमत है $135, पर उसके लिए आपके पास विस्कॉन्सिन का बोट लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप ये ड्राइव कर सकते हो. तो सैडली हम लोग अभी ये एक्सपीरियंस नहीं ले सकते हैं. 300 के कोई बात नहीं, नज़ारे का ही एक्सपीरियंस ले लेते हैं अभी फिलहाल के लिए. लेक जेनेवा होगा, लेक देख के आ जाएंगे, पर ये तो सारा बीच की जैसा है. ये मतलब लोग यहाँ पे बीच जैसे मजे ले रहे हैं और हम आ गए जीन्स और शर्ट में. मतलब देखो यहाँ पे सब लोग एकदम बीच वाली फीलिंग ले रहे हैं, हालांकि है ये लेक. चलो कोई कुछ कर नहीं सकते, अगली बार जब आएंगे तब प्रॉपर इसमें आएंगे. मैं तो आया हूँ, लाभम तो आया हूँ, पर मैं नहीं आया अभी तक. पर ये बहुत ही बढ़िया जगह, अगर आप विस्कॉन्सिन में आते हो तो आप पक्का लेक जेनेवा पक्का आपको जाना ही जाना है. अगर आप शिकागो में भी आते हो तो लेक जेनेवा पक्का ट्राई कीजिए आप. बहुत ही मतलब वर्थ है यहाँ पे आना. और सिर्फ कितना कितना दूर है शिकागो से? 45 मिनट्स. शिकागो से सिर्फ 45 मिनट्स है, मतलब 45 मिनट्स आप पहुँच जाओगे लेक जेनेवा. आई गेस 90 मिनट्स है ना? 90 मिनट्स. हाँ 90 मिनट्स है, तो आप शिकागो से सिर्फ 1.5 घंटे की दूरी पर रहेंगे लेक जेनेवा. और पक्का आप ट्राई करो, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया माहौल है यहाँ पे. अभी और थोड़ी जगह एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे, मतलब काफ़ी और थोड़ा दूर जाते हैं, देखते क्या क्या चीज़ है. और अगर आपको यहाँ पे लेक जेनेवा में आना है तो आपको ये $8 का पास लेना पड़ेगा, तभी आप आ सकते हो. तो आपको ये लेक जेनेवा देखने का $8 लगेंगे प्रॉपर. तो चलते हैं और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं. ये जगह तो बहुत मतलब पसंद आ गई मुझे, सच में बता रहा हूँ मैं. और ये घर देखोगे आप सामने, कितना बढ़िया घर है. मैं सोच रहा हूँ कि भाई आप अंदर किसी घर में जाता ना, क्योंकि तो सुबह सुबह मैं उठता, मैं स्केड्यूल ही होता सुबह सुबह 7 बजे उठता, इधर सामने आता मैं, ठीक है. और मैं गर्मा गर्म ना चाय पी लेता, ठीक है, चाय के साथ फिर भजिया और फिर हरी चटनी. मतलब सुबह सुबह इमेजिन करो आप सामने ये व्यू, भजिया चटनी और चाय, भाई मजे की तो है. बिल्कुल. तू क्या करता भाई तेरा घर? मैं भी चाय पोहा लेके आता हूँ यहाँ पर, चाय और तमाम. तो लाभम होता तो लाभम यहाँ पे पोहा और चाय पीता, मैं आता तो भाई भजिया गरम गरम, मजा ही मतलब मजे है यार यहाँ पे. पहले मुझे लगता था भाई कैलिफोर्निया के लोग, फ्लोरिडा के लोग मजे करते हैं, पर ये मुझे तो लगता है अभी सच में
लोगों की लाइफ देख कैसे लग रहा है, विस्कॉन्सिन के लोग ही मजे कर रहे हैं। चलो और आगे और ज्यादा महंगा भी नहीं यार यहाँ पे काफी, मतलब डाउनटाउन में मुझे लग रहा था काफी महंगा होगा, बट एज कम्पेयर टू बाकी के डाउनटाउन मतलब बहुत ही सस्ता है यहाँ पे चीजें। आप देख लो टी-शर्ट्स $5 की टी-शर्ट मिल रहे हैं यहाँ पे, और मुझे लगता है यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ सुविनियर मिलेगा। मतलब मैं जहाँ भी जाता हूँ स्टेट्स में तो वहाँ पे सुविनियर तो मुझे लेना बहुत पसंद है, तो देखते हैं यहाँ पे कोई सुविनियर मिलता है क्या विस्कॉन्सिन का। कोई अगर मैग्नेट मिल गया विस्कॉन्सिन का तो मजा आ जाएगा। अच्छा तो अभी लेक जनेवा तो हमने एक्सप्लोर कर लिया है, तो अभी ये काम करते हैं लावम, अभी हम ये जो जेनेवा तो ये जो जेनेवा जो टाउन है उसको एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या खाने वाली चीज़ें हैं। यहाँ से मैं देख रहा हूँ तो काफ़ी बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ लग रही है, और भाई ये बाइक तो मतलब मज़ा आ गया, मतलब ये देखो बाइक तो देखो हार्ली डेविडसन का, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, बहुत ही गजब बाइक है भाई, मज़ा आ गया देख के, मस्त है बहुत बढ़िया। और आप मेरे पीछे देख रहे होगे कि काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे, मतलब बहुत सारे डाउनटाउन में काफ़ी सारी चीज़ें लोग मज़े कर रहे हैं यहाँ पे डाउनटाउन में, तो अभी वही है हम एक्सप्लोर करते हैं डाउनटाउन को और देखते हैं फिर क्या क्या चीज़ें हम ट्राई कर सकते हैं, खाने की क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, तो डाउनटाउन की ओर बढ़ते हैं हम अभी। तो फाइनली मुझे एक सुविनियर की दुकान मिल गई है, तो देखता हूँ कि यहाँ पे क्या है सुविनियर के नाम पे। मुझे एक अपने मतलब फ्रिज के लिए एक मैग्नेट चाहिए था विस्कॉन्सिन का, तो देखते हैं यहाँ पे मोस्ट लाइकली मुझे यहाँ पे सुविनियर मिल जाना चाहिए। तो फाइनली काफी सर्च करने के बाद मिल गया विस्कॉन्सिन का ये मैग्नेट, तो काफी बढ़िया है, काफी अच्छा लगा मुझे, तो ये मैग्नेट ले लेता हूँ मैं, और उसके बाद अभी हम और डाउनटाउन पे एक्सप्लोर करते हैं। ये वाला मैग्नेट है तू भी ले रहा है एक मैग्नेट, चल भाई लाभ ले ले वो डाउन उसको बोर्ड। यहाँ पे जर्सी का भी मैग्नेट लिया मुझे, you can go look on, that's fine, yeah. Thank you so much, thank you. चलो फाइनली शॉपिंग कर ली है, अब और डाउनटाउन को एक्सप्लोर करते हैं। लाभो भाई यहाँ पे आराम कर रहे हैं, तो लाभो भाई के साथ पूछते हैं कि क्या 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 मतलब किस काम दे रहे हैं। लाभो भाई कुछ भी बोलो भाई, मौसम बढ़िया है, मौसम बढ़िया है, बाकी माउंटेन्स भी है। माउंटेन्स कौन से माउंटेन्स? ओ अच्छा, तो देखते हैं सामने, वो देखते नहीं है वो देखने की जरूरत नहीं। अच्छा यही से देखते हैं, दूर से देखते हैं भाई। कितने बच चुके अभी? अभी बच चुके हैं, ये आगे चल रहा है ठीक है, तो अभी बच चुके एक, तो क्या करना है अभी आगे, प्लान क्या है, क्या मतलब और एक्सप्लोर करना है कि अभी चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन? अभी हम करते हैं मिलवॉकी। चलो फिर
लेक जेनेवा को काफ़ी एक्सप्लोर कर लिया है, तो अभी चलते सीधा मिलवॉकी में। मिलवॉकी जो है वो विस्कॉन्सिन का एक सबसे बड़ा शहर है, तो चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं मिलवॉकी को। तो अभी काम करते भाई, बहुत मतलब मुझे तो रेस्टरूम जाना है पर भूख नहीं लगी है, ठीक है? तो लावम मुझे पानी पीना है, राइट? यस। तो अभी क्या करना है, मुझे रेस्टरूम जाना है। और यहाँ पे अमेरिका में कैसा होता है ना कि आप किसी भी जगह पे जाके रेस्टरूम नहीं कर सकते हो, आपको अगर होटल में अगर कुछ खाओगे तो ही आप रेस्टरूम जा सकते हो। तो मैंने लावम को बोला एक काम करते हैं, होटल में जाके पानी ऑर्डर करते हैं, पानी ऑर्डर करके रेस्टरूम यूज कर लेंगे भाई। करना है कि भाई ऐसे पक्का करना है? होटल वाले बाहर निकाल देंगे भाई, कोशिश करना है। अच्छा तो आप इमेजिन करो किसी होटल में जा रहे हो, ठीक है, और उसके बाद आप पानी ऑर्डर कर रहे हो, वो वेटर मारेगी भाई पकड़ के। चल देखते हैं, कुछ रेस्टरूम तो जाना ही है। लेट्स सी, वो देखो देसी बैटमैन जा रहे हैं, नहीं अलग तरीके का बैटमैन जा रहे हैं। ये देखो लावम अभी गाड़ी चला रहे हैं। लावम भाई ट्रक चला के कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो लावम को ट्रक चला के काफी मजा आ रहा है। तो जब ट्रक चलाते हैं तो ऐसा लगता है ना कि मतलब बाकी सारी गाड़ी भाई छोटी लगती है, राइट? हाँ। तो बहुत ही बढ़िया है, अभी यहाँ का सामने का व्यू भी बहुत बढ़िया है एकदम। और अभी आप देखोगे यहाँ पे अराउंड 26 मिनट्स में हम पहुंच जाएंगे मिलवॉकी, तो ज्यादा दूर नहीं है जेनेवा लेक से, सिर्फ 45 मिनट्स है, तो पहुंच जाएंगे 20-25 मिनट में। ये देखो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं विस्कॉन्सिन के सबसे बड़े शहर जो कि है मिलवॉकी। और मिलवॉकी में अभी हम सबसे पहला जो चीज़ एक्सप्लोर करेंगे वो है हार्ली डेविसन का म्यूज़ियम। यहाँ पे हार्ली डेविसन का म्यूज़ियम जो है काफ़ी फेमस है, और वहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे बाइक्स हैं, काफ़ी अलग अलग तरीके के बाइक्स हैं। तो देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं हार्ली डेविसन के शोरूम को, नॉट शोरूम, म्यूज़ियम को। तो फाइनली भी हम पहुंच चुके हैं मिलवॉकी के फेमस म्यूजियम जो कि हार्ली डेविसन। तो चलते हैं फिर हार्ली डेविसन की सैर करते हैं। म्यूजियम में एग्जिट है उधर। अच्छा अच्छा चलते भाई सैर करते हैं। देखो 1912 1913, तो पहले के जो मोटरसाइकिल थे मतलब अभी भी तक इन्होंने प्रिजर्व करके रखे हैं भाई, मजा ही आया देख के इसको। 1920 1926 भाई गजब, मजा आ गया देख के।
हार्ली डेविडसन का टूर करके मज़ा तो आ गया मतलब, और गाड़ी कितनी भी ले लो बाइक के अपने मज़े हैं। और अगर आपको यहाँ पे बाइक पे बैठना है तो यहाँ पे एक सेक्शन है फ्लोर वन पे राइट साइड में, तो वहाँ पे आप बाइक पे काफ़ी सारी बाइक देख सकते हो, पीछे है बाइक, वहाँ पे बाइक है उस तरफ आप देख सकते हो कैमरा राइट साइड में है। तो वही है, तो फाइनली हमारे हार्ली डेविडसन का जो टूर है वो ख़त्म हो चुका है। अब इसके बाद भाई काफ़ी भूख लगी है तो कुछ पेट पूजा कर लेते हैं, कोई देखते हैं इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ पे आसपास और उसके हिसाब से हम चलते हैं इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। वैसे भी इंडियन खाना खा के काफ़ी समय हो गया तो चलते हैं इंडियन रेस्टोरेंट की तरफ। तो फाइनली पहुँच चुके हैं हम कैफे इंडिया में। मैंने मंगाई है वेज थाली जो कि है $15 की, काफ़ी सस्ता है एज़ कम्पेयर टू बाकी स्टेट। और एक काठी रोल भी मंगाया मैंने और ये है गोभी पराठा। तो अभी काफ़ी भूख लगी थी तो अभी दबा के खाते खाना और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो पक्का लाइक करो और चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करो। तो चलते हैं, अभी मैं खाना खाता हूँ, बाय बाय, टेक केयर गाइस।